अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहब्बत के नाम पे आपने जाने जाती हुई तो देखी होंगी, लेकिन ऐसी जान आज तक नहीं गई और ना ही कभी आपने ऐसा सुना होगा कि मोहब्बत के नाम पे ऐसे भी जान ली जाती है जैसे हाफिजाबाद की 22 साला खूबसूरत मुबशरा की ली गई है। मुबशरा का ताल्लुक हाफिजाबाद से है, हाफिजाबाद के महल्ला ताजपुरा से है और ये लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम है। इसका ताल्लुक बन जाता है ऑनलाइन अवैस के साथ। अवैस का ताल्लुक लाहौर से है और वो आयरलैंड के अंदर मुकीम है, वहाँ पे जॉब करते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए दोनों का ताल्लुक बनता है और ये ताल्लुक फिर आगे बढ़ता बढ़ता मोहब्बत के अंदर बदल जाता है और दोनों फैसला कर लेते हैं कि उन्हें निकाह कर लेना चाहिए। ये ऑनलाइन निकाह हो जाता है। ऑनलाइन निकाह के बाद मुबशरा अपने खावंद के घर मुंतकिल हो जाती है। उसका खावंद अभी आयरलैंड में है लेकिन ये पहले ही अपने ससुराल के अंदर मुंतकिल हो जाती है। 2 से 3 माह गुजरते हैं। 2-3 माह गुजरने के बाद अचानक से आबिद, जो अवैस का वालिद है और मुबशरा का ससुर है, वो फ़ोन करता है इसके मुबशरा के वालिद को जिसका नाम जावेद है। इसे फ़ोन करता है और उसे कहता है कि आप बराए मेहरबानी अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं क्योंकि मैंने अपने बेटे अवैस का रिश्ता कहीं तय कर रखा है और मैंने उसकी शादी वहीं पे करनी है। अब जावेद जाता है और ये अपनी बेटी मुबशरा से कहता है कि आप अपने घर चलो, जब आपका खामद आ जाएगा उस वक़्त आपकी रुख्सती कर दी जाएगी और फिर आप यहाँ पे मुंतकिल हो जाना। लेकिन वो आना नहीं चाहती। अब वो एतमाद करती है अपने ससुर के ऊपर। अब उसका ससुर भी साथ तैयार हो जाता है। उसका ससुर मुबशरा और मुबशरा का वालिद जावेद, ये आ जाते हैं ताजपुरा में उसके घर और यहाँ आके दोनों मिलके मुबैना तौर पर मुबशरा का गला दबा देते हैं और उस वक्त तक दबाते हैं कि जब तक उसकी जान चली नहीं जाती, उस वक्त इसका गला दबाते रहते हैं। अब ये अपनी नौयत का इंतहाई मुनफरद वाक़या है। इससे पहले आपने शायद ऐसा नहीं सुना होगा बिल्कुल कि ससुर ने बाप के साथ मिलकर बेटी की जान ले ली। यानी ये एक खामद का वालिद है और एक बीवी का वालिद है और दोनों ने प्लानिंग की और दोनों की प्लानिंग के बाद उन्होंने इसकी जान ले ली। अब ये पुलिस के अंदर केस रजिस्टर्ड हो चुका है। दोनों यानी आबिद और जावेद, मुबशरा का वालिद भी और अवैस का वालिद भी, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस इनसे इंटेरोगेट कर रही है। लेकिन आप सोचें कि जान लेना पाकिस्तान में किस हद तक आसान हो चुका है और गैरत के नाम पर जो जान ली जा रही है उस पर तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे नए नए अंदाज उसका सामने आ रहे हैं कि जिनका सोच भी आप नहीं सकते। कि अब ऐसा भी आपने कभी सोचा होगा कि ये दोनों जो बुज़ुर्ग हैं, ये दोनों बुज़ुर्ग लेके एक मासूम सी जो बच्ची है उसकी जान ले सकते हैं। इस खूबसूरत मुबशरा की उसने निकाह किया है, अगर आपको अच्छा भी नहीं लगा तो आप उसे तलाक दे दें। तलाक नहीं देते तो वालिदैन उसे ले आएँ, ये कोर्ट से रजू कर लें। गलती भी इंसान से हो जाती है लेकिन इस गलती की सज़ा सिर्फ जान लेने के अलावा पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। इसके अलावा सज़ा कहीं भी कोई गलती कर सकता है, इस उम्र के अंदर गलती हो भी सकती है, तो उसका बदला सिर्फ जान है। जान के अलावा आप मुतमईन नहीं होते और इसी तरीके से मुबशरा की जान ली गई। बड़ा सोचने का मकाम है, सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को बहुत सोचने का मकाम है और पूरे मुआशरे पर इस वक्त सवालिया निशान भी है।